भाई साहब डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। आप सबका बहुत स्वागत है इस चैनल पे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सब लोगों का कि आप हमारे क्वेश्चंस, ये जो भी क्वेश्चंस करते हैं उनका हम आंसर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बिज़ी रहते हैं। तो जो पुनीत है, जो हमारा यूट्यूब चैनल को हैंडल कर रहा है, वो हमसे क्वेश्चन पूछकर और आपको आंसर देता है। लेकिन आज का जो डिस्कशन है वो लाइव पेशेंट्स का है, जो कि मेरे पास आए हैं। ये जो पेशेंट हैं अलवर से हैं, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। ये लखनऊ से हैं, जो यहाँ से कितना है, 500-600 किलोमीटर दूर है। इनका हमने ऑपरेशन परसों किया है और इनका ऑपरेशन हमने 29 जून 2021 में किया था। ये हमारे पास इमरजेंसी में आए थे और उस टाइम इनका जो यहाँ से कट था वो हम आपको वीडियो में दिख जाएंगे। यहाँ से पूरा कट था और जिसको ये माना जा रहा था कि ये सिर्फ स्किन का कट है, लेकिन जब ये हमारे पास आए तो काफ़ी खून बह चुका था, शॉक में थे। हमने इनके ब्लड भी ट्रांसफ्यूज़ किया था, इमरजेंसी में ऑपरेशन किया था। सुबह 3, 3:30, 4 बजे इनका ऑपरेशन ख़त्म हुआ था, पूरी रात भर चला था। इनकी ये जो अंगूठा है इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, कुछ पता नहीं चलता था। इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, इसमें मतलब किसी उंगली में कोई मूवमेंट नहीं था, कुछ पता नहीं चलता था। और इनका जो रेड कलर की उंगलियाँ दिख रही हैं बिल्कुल पेल वाइट हो गई थी। और यहाँ पे कट था इनको, मतलब इतना दूर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सर्कुलेशन ख़त्म हो चुका था। दैट मीन्स ये हाथ यहाँ से सेपरेट हो सकता था। तो जब ये हमारे पास इमरजेंसी में आए थे, इनको हमने सारी चीज़ें बताई, क्योंकि इनके अटेंडेंट काफ़ी शांत स्वभाव के थे। उन्होंने हमसे समझा और इनको वहाँ से पहले ही बताकर भेजा गया था कि जयपुर में डॉक्टर अमित मित्तल स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा कराना है। तो उन्होंने हमसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे और इमरजेंसी के हिसाब से इन्होंने हमसे ऑपरेशन करवाया। और ये मेरे पास कई बार आए बीच में। शुरू में इनका मूवमेंट जब स्टार्टिंग में था तो यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता था, इनका मूवमेंट सिर्फ इतना था। लेकिन हमने जैसे इनको एक्सरसाइज से प्रॉपर गाइड किया, उसके द्वारा इनका आज फुल सेंसेशन है यहाँ पर। 80% सेंसेशन है यहाँ पर जी सर, 80% इनका सेंसेशन पूरी उंगलियों में है। और जो फिंगर का मूवमेंट एक बार करके दिखा दो ऐसे। लेकिन ये बताएंगे आपको, क्योंकि ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि ये आज पूरा ठीक है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो ये पेशेंट हैं, इनका ऑपरेशन हमने परसों ही किया है और इनकी जो पूरी हाथ की नसों में से जो इस हाथ को देती है, वो पूरी नस इनकी यहाँ से कट गई है, जिनका एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है। और उसके कारण इनको यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है, यहाँ पे इस पार्ट में कुछ पता नहीं चलता है। और इनकी जितनी भी मसल्स होती हैं, जो कि हड्डियों के बीच में होती हैं, यहाँ पर सारी पतली होगी और वीक हो जाएंगी, कुछ टाइम तक और वीक हो जाएंगी। यहाँ से थोड़ा हाथ पतला हो जाएगा और सेंसेशन आने में और काम करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और हमने इनका बहुत ही माइक्रोसर्जरी द्वारा ऑपरेशन किया है, जिसमें हमने कोई पाँव से नस नहीं ली। यहाँ जो कि सिर्फ कट इतना था, जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, वो हमने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक खोला है, जिससे नस को हमने मोबिलाइज़ किया और उसको पास लाके जोड़ा है, जिससे रिजल्ट अच्छा है। इसीलिए हमने इनको प्लास्टर दिया है इतना मोड़ कर, जिससे वो नस ना टूटे और जल्द से जल्द उसका रिजल्ट आए। लेकिन इनको हमने 18 महीने का टाइम दिया है। तुमने कितना टाइम हो गया हमारे पास लेट आए हो? जी सर, मैं 2 महीने लेट आया। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए। तो इनको हमने कॉन्फिडेंस देने के लिए और इस पेशेंट से ये कैसे ठीक हुआ है उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेकर, इस पेशेंट को एक्सपीरियंस देकर, जिससे इनको जितने भी कन्फ्यूजन है, जो कि फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि ये तो ठीक नहीं होगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कोई दवाई क्यों नहीं दी, कोई एक्सरसाइज क्या है, ये कोई एक्सरसाइज है क्या, ऐसे पेशेंट का मनोबल तोड़ देते हैं और वो पेशेंट को ज़बरदस्ती इधर उधर दिखा रहे होते हैं। फिर वो जब कोई अगेंस्ट बोल देता है तो उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाती है और फिर वो जो रिज़ल्ट आना होता है वो भी नहीं आता उसका। इसका मेन रोल ये है कि इस पेशेंट से पूछें कि इसने अपनी जर्नी कैसे जी और ये कैसे ठीक हुआ, और इसको ये बताना चाहते हैं कि ये उस एक्सपीरियंस को लेकर अपने आप को कैसे सक्सेसफुल कर सकता है। हाँ बच्चू, अब तुम्हारा टाइम है, अब तुम ये बताओ अपनी पूरी मनोस्थिति कि जब तुम्हारा कटा था, चोट लगी थी, तुम्हारे साथ कैसे कैसे जर्नी हो रही थी, जो कि इसको पता होना चाहिए कि कब कौन कैसे कैसे बोलता है और इसको कैसे कैसे करना है। इसको लाओ आराम से, पूरे अच्छे से, कोई नहीं हाथ में ले लो। सर, जब मेरे फर्स्ट में हाथ कटा था, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इसमें कोई मूवमेंट नहीं था। धीरे धीरे जैसे सर ने बोला कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी है, तो वैसे वैसे मैं एक्सरसाइज करता गया। लोगों ने बोलो ठीक नहीं होगा, हाथ कमज़ोर हो गया, तो डॉक्टर मतलब अच्छे नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, ये मतलब बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। लेकिन मेरे खुद के ऊपर अपने आप पे कॉन्फिडेंस था और मैंने धीरे धीरे उसी जैसे डॉक्टर सर ने बताया था वैसे एक्सरसाइज करता गया और मेरा हाथ एकदम ओके हो गया, पूरा मूवमेंट है। तो जो इनका जो इन्होंने जो एक वर्ड बोला इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो ये नहीं है कि ओके हो गया, कि चाहे कोई कितना भी कुछ भी बोले, आपको कॉन्फिडेंस क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता कि डॉक्टर अच्छा है या आपका ऑपरेशन अच्छा हुआ है, कॉन्फिडेंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अब आपके साथ जिसने ऑपरेशन कर लिया, अगर आपने उसको सरेंडर कर लिया है तो उस पर फुल बिलीव कर जैसे जैसे बोला जा रहा है वो करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर का कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर एक दूसरा अपॉइंट कर फिर दूसरे पर बिलीव करो। पहले डॉक्टर की बुराइयाँ मत करो, जो भी हो गया है वो होना है और आगे स्टेप लेना है आपको। तो
तो हमने इनको कॉन्फिडेंस इसलिए दिया था कि जो भी हमने ऑपरेशन किया था एग्जैक्टली इनको दिखाया था, एक एक चीज़ इनके हाथ में है, और हमने इनको बहुत सारे केस दिखाए थे कि हाँ तुम ठीक हो सकते हो, उसी के कारण ये ठीक हुआ है। क्योंकि दूसरे दो लोग हैं जो इनको ऐसे कुछ बोलेंगे, वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी और इतना लेट कौन सा ट्रीटमेंट होता है। तो जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया, सब कुछ ठीक हो गया और इतने टाइम से पता नहीं चल रहा था, तो हमने कोई दवाइयाँ दी थी उसके लिए तुम्हें? नहीं सर, कोई दवाई नहीं दी थी। तो हमने इनको किसी ट्रीटमेंट में कोई ऐसी दवाई नहीं दी, मुझसे तो एक डेढ़ महीने की दवाई होंगी मुश्किल से। हाँ, इन्होंने क्या मेरे ख्याल से 10-12 बार चक्कर लगाया होगा एक साल में, और आज ये काफ़ी बेटर है। अब अपना तुम इनको कौन सा एक ऐसा 3-4 लाइनों में एक्सपीरियंस देना चाहते हो इन बच्चे को कि ये भी ठीक हो सकता है, ये बताओ इनको ज़रा, कौन सा एक्सपीरियंस देना चाहते हो भैया? सबसे मोस्ट और मतलब जो चीज़ है वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस और एक्सरसाइज है। जी जी। अच्छा, अब तुम ये बताओ, जब तुम तुम्हें ये चोट लगी थी तब तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे तुम्हारा ट्रीटमेंट हो रहा था? हमारे पास 2 महीने में लेट आए हो तुम। जी। 2 महीने में क्या क्या चल रहा था तुम्हारे साथ? जी सर, मैंने जब 12 मई हाँ 12 मई 2022 को मेरा कांच से हाथ कट गया था, और मैं अपने ही मतलब यूपी में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ से एक डॉक्टर से मैंने उसको सही करवाया। उन्होंने इसमें नर्स और टंडन वगैरह इंजरी जो भी हुई थी उसको सही से नहीं किया, और इसमें टाके लगा दिए ब्लड को रोकने के लिए। इसमें दिक्कत बनती रही और मेरी उंगली टेढ़ी होने लगी, मेरे लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों टेढ़ी हो चुकी थी। उसके बाद में मैंने देखा कि मेरे हाथ में सेंसेशन झंझनाहट होती है, करंट का भी अनुभव होता है, जरा भी टच करने पर करंट लगता है। फिर मैंने यूट्यूब से देखा कि अमित सर के बारे में कि वो हैंड स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, जैसे सभी को होता है यूट्यूब पे देख के लगता है यूट्यूब पे सब ऐसे ही फेक बैठे हैं लूटने के लिए। लेकिन मैंने कहा चलो मुझे अच्छा लगा, मैं चलो एक बार सर के कंसल्ट करके आता हूँ, क्या है मैं सिर्फ एक बार क्लिनिक पर मिल के तो आता हूँ, कौन सा मेरा ऑपरेशन जबरदस्ती कर देंगे। मैं आया और मैंने सर को दिखाया, सर ने अच्छे से मुझे ट्रीट किया, मुझे लगा कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ सर मेरा हाथ अच्छा कर सकते हैं। फिर मैंने सर से डेट ली, मैं पुनः आया, सर ने मेरा ऑपरेशन किया अभी 14 तारीख को। अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ, और सर ने जो भी एक्सरसाइज बताया है मैं उसे आगे करूँगा, उम्मीद है मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाऊँगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस जो पेशेंट के थ्रू एक से दूसरे को मिल रहा है और दूसरे को एक दूसरे से मिल रहा है, इट्स जस्ट लाइक दे आर ब्रदर्स नाउ। ये दोनों एक टाइप के भाई हैं, और भाई इस चीज़ में नहीं कि खून से रिलेशन है, ये है बिकॉज दोनों ने सेम ज़िंदगी जी है। तो वो ज़िंदगी जो ख़त्म कर चुका है वो ज़िंदगी उसे स्टार्ट करनी है। तो जब वापस जाएगा जो इतनी दूर से आते हैं तो उनको ये ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो मेरा मेन रोल था आपको बताने का कि ऐसी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन टाइम लगता है, और कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों के डिफरेंट आंसर्स होते हैं, और वो डिपेंड करता है कैसी इंजरी है, कितने स्किल से हुई है, कितने टाइम में हुई है। तो उन सब चीज़ों को आप डॉक्टर के ऊपर छोड़ें, और जो भी क्वेश्चन हमसे पूछें और हम उसका आंसर करें। धन्यवाद। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, जो भी लोग सोचते हैं कि मैं फ़ोन से ही कंसल्ट कर लूँ, फ़ोन से सब कुछ हो जाए, तो फ़ोन से सब कुछ नहीं हो सकता। फ़ोन से सर आपकी सेंसेशन को, झंझनाहट को, दर्द को, पेन को नहीं फील कर सकते। इससे अच्छा यही होगा कि एक बार आप आके दिखा लें सर को, सामने फेस टू फेस मिलकर कंसल्ट कर लें, वो अच्छे से आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें, उसका सोल्यूशन अच्छे से दे सकें। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मोनेटाइज हो, लोगों तक पहुँचे, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उसको देखें और समझें, और सर से मिल करके अपने अच्छे से अच्छे इलाज को पाएँ।